नमस्कार दोस्तों, अनोखा रॉक स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि लहरिया सराय और सहरसा के बीच में चलने वाली ट्रेन की आज टाइम टेबल के साथ साथ किराया की भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आपको बता दें कि लहरिया सराय और सहरसा के बीच में 3 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। 3 ट्रेनें लहरिया सराय से जाती है और 3 वापस आती हैं। तो पहली ट्रेन की अगर हम बात करें तो 0:55:45 या लहरिया सराय से 5 बजे सुबह में खुलती है और 10:50 पर जो है सहरसा पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ट्रेन लहरिया सराय से 12:05 पर जो है दोपहर को खुलती है और 6:05 पर या शाम को पहुंच जाती है। और लहरिया सराय और सहरसा के बीच में एक और ट्रेन चल रही है जिसके बारे में जो है अभी डाटा नहीं दिया गया है, वेयर इज माई ट्रेन पर। जैसे ही डाटा उसका आएगा तो हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको बता दें कि लहरिया सराय और सहरसा के बीच में 3 ट्रेनें चल रही हैं। वहीं अगर आप सहरसा से अगर आना चाहते हैं तो 0:55:44 जो सुबह हमें आपको मिल जाएगी 5:15 पर, वहीं 11:30 पर आपको जो है सुबह हमें छोड़ देगी। वहीं दूसरी ट्रेन की बात करें तो इसका नंबर है 0:55:46 या शाम को मिलेगी 6:35 पर और रात्रि 11:55 पर यह आपको जो है लहरिया सराय छोड़ देगी। तो इस तरह से देखा जाए तो लहरिया सराय से सहरसा के बीच में मात्र 45 रुपये का जो है किराया रखा गया है। वहीं 0:55:46 का किराया जो है 35 रुपये मात्र रखा गया है। हालांकि 170 किलोमीटर से भी ज़्यादा का यह सफ़र है, फिर भी जो है किराया 45 रुपये रखा गया है। आपको बता दें कि जब ट्रेन नहीं चल रहा था तो इस क्षेत्र में जो है लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी और काफ़ी ज़्यादा जो है किराया देना पड़ता था बस और अदर सवारी का। तो ट्रेन चली है तो लोगों को बहुत खुशी हुई है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।